नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आज की गुड न्यूज में। जी हाँ, खबरें ऐसी हों जो आपको उत्साह से भर दें, जो दिन भर की थकान को खत्म कर दें। कहते हैं अगर सोच सकारात्मक हो तो जीवन आसान हो जाता है। पॉजिटिव सोच के आगे हर चुनौतियां मानो हार मान लेती हैं। तो इसी सोच के साथ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज, क्योंकि हमें पता है रोजमर्रा के काम करने के बाद जब हम थक कर घर आते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि काश कुछ ऐसी खबरें हों जो दिन भर के कामकाज की थकान को छूमंतर कर दे, जिसे देखकर और सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए और दिल कह उठे कि ये तो गुड न्यूज है और आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर देंगी। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड एकदम कूल कर देंगे, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप जरूर कहेंगे कि हमने देखी गुड न्यूज और आप कह सकेंगे गुड न्यूज हो तो ऐसी। दिन ब दिन पर्यावरण में उत्पन्न समस्या की गंभीरता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर धरती को सबके रहने लायक बनाए रखना है तो हर व्यक्ति को पर्यावरण की और इससे जुड़े अभियान में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। और इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है। पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली की थीम पर दिल्ली के पार्कों का सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है। जल, जंगल, जमीन, इन तीनों के बिना हमारी प्रकृति अधूरी है। जिन देशों में इनकी अधिकता है वही देश संपन्न देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों की बात करें तो विकास के अंधाधुंध दौड़ में मानव इतनी तेजी से भाग रहा है कि इस प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है। हालांकि इससे निजात पाने के छोटे बड़े सभी स्तर पर वैश्विक पहल की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया। पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली की थीम पर दिल्ली के पार्कों का सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया गया। दिल्ली के पार्कों के विकास के लिए हर विधानसभा में एक इंचार्ज, हर दो विधानसभा पर एक पर्यवेक्षक और राज्य स्तर पर दो कोऑर्डिनेटर्स की ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति की जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या है ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली मिशन। मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली में ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली मिशन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है, जिसका मकसद है दिल्ली के अंदर लगभग 16,000 से ज्यादा पार्क हैं, उन पार्कों को हरा भरा करना, उन्हें डेवलप करना। इस काम को, इन पार्कों को मिशन मोड में डेवलप करने के लिए हमने शुरू किया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के अंदर किसी भी पार्क को वहाँ पर जो लोकल RWA है वो ओनरशिप ले करके और उस पार्क को डेवलप करने का एप्लीकेशन पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के पास दे सकती है। दिल्ली के सभी पार्कों को ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली थीम पर किया जाएगा विकसित। पहले चरण में लगभग 11,500 पार्कों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। लगभग 6,345 पार्कों की स्थिति अच्छी नहीं है। पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए प्रति एकड़ 2,55,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नए पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ 1,00,000 की अतिरिक्त धनराशि भी देने का निर्णय लिया गया। पार्कों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रति एकड़ 3,50,000 की सहायता देने का फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है
दिन प्रतिदिन पर्यावरण में उत्पन्न समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए अगर धरती को सबके रहने लायक बनाए रखना है तो हर व्यक्ति को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में अच्छी पहल की थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में प्लास्टिक बैन करने को लेकर निर्देश दिए गए और अब ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली का ये मिशन दिल्ली वासियों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इनाम जीतने वाले पंजाब के बहादुर जवानों और देश के सरहदों पर अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों के सम्मान में पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले कई वादे किए थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान एक एक कर वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। फ्री बिजली और किसानों को मदद से लेकर दिल्ली स्कूल शिक्षा मॉडल की तरह पंजाब के स्कूलों को बनाने के वादे के अलावा आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद सीएम ने शहीदों के परिवार को दिए जाने वाले एक्स ग्रेशिया ग्रांट बढ़ाने का भी ऐलान किया था। उन्होंने मदद की राशि को 1 करोड़ रुपए करने की बात कही थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए घोषणा भी कर दी है। पंजाब में किसानों शहीदों के लिए भगवंत मान की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें से पहला फैसला है शहीद जवानों के परिवार को सहायता राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही दूसरा फैसला है कि इनाम जीतने वाले पंजाब के बहादुर जवानों की इनामी राशि में 40% तक वृद्धि की गई है। किसानों और शहीदों को सम्मान देने की कड़ी में ही पंजाब सरकार ने गलवान घाटी के शहीदों और किसान आंदोलन में शहादत देने वालों के परिवारों की आम आदमी पार्टी ने सुध ली। किसानों और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने परिवार के सदस्यों को सम्मान राशि का चेक सौंपा। गलवान घाटी के शहीदों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और किसान आंदोलन में शहादत देने वालों के परिवार को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह हमने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को मॉडल बनाया है, ठीक ऐसे ही पंजाब में किसानों के साथ मिलकर किसानी को एक मॉडल के रूप में देश में ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसा मॉडल तैयार करेगी कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहे कि मुझे भी किसान बनना है। एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसान किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होके कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि आप लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। जब अपना कोई चला जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस सम्मान राशि को देने का एक ही मकसद है कि हम आप सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें उन लोगों पर गर्व है जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी। असी कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते दा दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले दा दर्जा जिहड़ा है वह कायम रखिए। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां दे किसान संघर्ष दे विच शहीदियां पाईआं ने उन्हां नूं, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी दे योधियां नूं जिन्हां ने देश की आज़ादी नूं कायम रखण लई अपनियां जानां दित्तियां। आज़ादी लैण वास्ते भी 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਮੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੀ ਜਵਾਨ ਜਬ ਸੀਮਾ ਪਰ ਜਾਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਚੈਨ ਕੀ ਨੀਂਦ ਸੋਤੇ ਹੈ। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब सरकार की तरफ से किसान और सरहद की सीमा पर जान गंवाने वाले शहीदों के लिए फैसला काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और
तरफ राजस्थान अन्नदाताओं के लिए गुड न्यूज है। दरअसल गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, सरकार ने खेतों में तारबंदी के लिए और प्याज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए किसानों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। गुड न्यूज, सरकार देगी किसानों को सब्सिडी। तारबंदी और प्याज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलेगी सब्सिडी। फसल सुरक्षा योजना के तहत मिलेगा सहयोग। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की काफी हद तक निर्भरता कृषि पर ही है, और ये अन्नदाता कड़ी धूप, तेज तूफान, तेज वर्षा के थपेड़े भले ही खाते हों, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं भागते। देश भर में चाहे अमीर हो या गरीब, सबका जीवन कहीं न कहीं किसानों पर ही निर्भर है। इसलिए बात किसान भली भांति जानते हैं कि अगर वो खेती करना छोड़ देंगे तो लोगों को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। देश भर के हर शहरों में किसानों के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर अनाज भेजा जाता है, इसलिए किसानों के हित में सरकार के द्वारा समय समय पर कदम उठाए जाते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों के खेतों में तार बंदी के लिए 125 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से प्रदेश के 35,000 किसानों को फायदा होगा, क्योंकि किसानों के खेतों में तार बंदी न होने की वजह से किसानों के फसलों को जानवरों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचा जाता है। साथ ही गहलोत सरकार ने 2500 किसानों के लिए कम लागत के प्याज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 15.05 करोड़ रुपए के सब्सिडी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके निर्माण की अनुमानित लागत 1,75,000 रुपए प्रति यूनिट है। इन पर 50% की सब्सिडी सरकार देगी, जो अधिकतम 87,500 रुपए होगी। इसमें कम से कम 50% लघु सीमांत किसान शामिल रहेंगे। गहलोत सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी देने के लिए बजट में घोषणाएं की गई हैं। गहलोत सरकार ने किसानों के तारबंदी के लिए 125 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है। प्रदेश के 35,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा। आने वाले सालों में 1,25,00,000 मीटर एरिया में खेती की जाएगी। 1.5 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड होने पर अधिकतम 400 मीटर तक तारबंदी लागत की 50% या अधिकतम 40,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में 30% छोटे किसानों को शामिल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी की लागत के 50% की जगह 60% की रेट से 48,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्याज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 15.05 करोड़ रुपए के सब्सिडी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। 2,500 किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इसमें कम से कम 50% लघु सीमांत किसान शामिल रहेंगे। गहलोत सरकार का कहना है कि सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी गहलोत सरकार ने राज्य में किसानों के लिए बिजली बिल को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। इसके अलावा किसानों के हित में गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश किया था, और किसानों के लिए पिछले बजट की तुलना में कृषि बजट को दोगुना किया था, जिसमें करीब 89,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसके अलावा सरकार ने लगभग 22,00,000 किसानों का कर्ज भी माफ किया था। इसी कड़ी में किसान मित्र योजना लागू कर किसानों को राहत प्रदान की थी। गहलोत सरकार का कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद, स्वच्छ पेयजल और सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर गहलोत सरकार का यह फैसला किसानों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास रहता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन परंपरागत तरीकों के जगह पर आधुनिक तौर तरीकों के तरफ हमारे झुकाव ने हमारे सामने कई समस्याओं को जन्म दिया है, और इसी कड़ी में योगी सरकार ने कृषि के परंपरागत तौर तरीकों को फिर से वापस लाने के लिए गौ आधारित खेती की पहल की है, जिससे अच्छे उत्पादन के साथ साथ स्वस्थ खाद्य सामग्री की पहुंच भी लोगों तक होगी। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर भारत को समझना है तो इसके लिए गांव को समझना पड़ेगा। और जब भी हम गांव की बात करते हैं तो बरबस ही हमारे आंखों के सामने वो लहलाते खेत और किसान आ जाते हैं। लेकिन विकास के अंधाधुंध दौड़ में हम ऐसे शामिल हुए कि खेती और किसानी के परंपरागत तौर तरीके बदल ही गए। खेतों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि भले ही उत्पादन बढ़ा लेकिन मानव स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य दोनों की स्थिति खराब होने लगी।
लेकिन अब योगी सरकार कृषि के परंपरागत तौर तरीकों को फिर से वापस लाना चाहती है। इसी के मद्देनजर योगी सरकार की तरफ से देश में खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इन दोनों ही पद्धति में गाय के गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अब गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को और कृषि को भी काफी लाभ होगा, साथ ही कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय बढ़ेगी। इन फायदों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गौ आधारित कृषि के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विभाग द्वारा लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, विंध्याचल, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद संभाग में किया जाएगा। इन जगहों में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गाय आधारित खेती में किसी भी प्रकार से बाहरी रासायनिक या जैविक उर्वरक शामिल नहीं किया जाता है। दरअसल बेतहाशा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक से अधिक उपयोग करने से अनेकों जीव जंतु और कीट पतंगे समाप्त हो रहे हैं, जिससे मृदा का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। साथ ही कृषि उत्पाद मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हो रहा है। कई घातक बीमारियां मानव शरीर में हो रही हैं। अनेक जंतु जो किसानों के मित्र कहे जाते हैं वह भी नष्ट हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करें। इस विधि से उत्पादित कृषि उत्पाद में स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे मानव स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योगी सरकार ने राज्य में विकास की गंगा बहाने के लिए साथ ही राज्य के अंदर चहुमुखी विकास करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। आए दिन योगी सरकार की तरफ से किसानों के और जन साधारण के हित में फैसले लिए जाते रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है और किसानों को योजनाओं के जरिए लाभ दिया भी जा रहा है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के प्रयासों को प्रधानमंत्री ने भी सराहा है और कृषि विभाग ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर किसान गौ आधारित खेती से 2 दर्जन एकड़ जमीन में बगैर पेस्टिसाइड और रासायनिक के खेती कर सकता है। गौ आधारित खेती से किसानों की लागत कम होगी और फसल का अच्छा उत्पाद होगा। इसके साथ ही जैविक खेती से कृषि भी सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं के खाते में 1,804,50,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ किसानों की बल्ले बल्ले, सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खातों में डाले गए 1,804 करोड़ रुपए, ये राशि खाते में ऑनलाइन हुई ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 26,68,000 से ज्यादा किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़े समूह की महिलाओं के खाते में 1,804 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की है। छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राशि वितरण के इस कार्यक्रम में किसान, मजदूर समूह की महिलाएं और ग्रामीण जन ऑनलाइन शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बहुत थोड़े समय में एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा को साकार करके दिखाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ साल 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ 11 लाख रुपए भेजे हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों के खातों में 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन भेजे। पिछले 2 सालों में राज्य के किसानों को 11,180 करोड़ 10 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 1,720 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान के बाद ये राशि 12,900 करोड़ 21 लाख रुपए गई है। गन्ना उत्पादक कृषकों को अब तक दी गई 122 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि के बाद ये 13,022 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,402 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार की राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों,
पशुपालकों और महिला समूहों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते 3 सालों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय, सुराजी गांव जैसी योजनाओं के जरिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों एवं वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को भी शामिल किया गया। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसानों, मजदूरों, महिलाओं को जो सौगात दी गई है वो किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जब हम अपने घरों के आसपास गौरैया के चहकाने की आवाज सुनते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, लेकिन हाल के कुछ सालों में हमारे आधुनिक जीवन शैली ने इस नन्हे गौरैया के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। और अब इन्हीं के अस्तित्व को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अनोखा प्रयास किया है। क्या है ये प्रयास, इस रिपोर्ट में जानिए। विकास के इस अंधाधुंध दौड़ में लोगों के घर भले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन मानव का दिल बहुत ही छोटा हो गया है, जिसमें एक नन्ही सी गौरैया के लिए भी जगह नहीं बची। मनुष्य अपने आशियाने की तलाश में चांद तक पहुंच गया, लेकिन अपने आशियाने की चाहत में कब इन पक्षियों की आशियाने को उजाड़ कर इनके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर दिया, इसका वो कभी अनुभव तक नहीं कर सका। इसके पीछे के कारणों के बारे में अगर बात करें तो आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति मानवीय उदासीनता है, क्योंकि आधुनिक बनावट वाले मकानों में गौरैया को घोंसला बनाने की जगह ही नहीं मिलती, और अगर कहीं जगह मिल भी गई तो हम उन्हें वहां घोंसला बनाने नहीं देते। अपने घरों में थोड़ी सी गंदगी फैलने के डर से हम उनकी मेहनत से तिनका तिनका जुटाकर बनाया गया घर ही उजाड़ देते हैं, और इतनी समस्याओं से गुजरने के बाद उनके बच्चे अन्य जानवरों से सुरक्षित नहीं रह पाते, जिसका परिणाम आज हमारे सामने गौरैया के अस्तित्व संकट के रूप में खड़ा है। ऐसे में गुड न्यूज ये है कि दिल्ली में पहला गौरैया ग्राम विकसित किया गया है। दरअसल दिल्ली में स्थित गढ़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में दिल्ली का पहला गौरैया ग्राम विकसित किया गया। दिल्ली के राज्य पक्षी गौरैया को संरक्षित करने के उद्देश्य से गढ़ी मांडू में गौरैया ग्राम बनाया गया है। गौरैया ग्राम में कीटघर और तितलियों के लिए नेचुरल हैबिटेट को भी विकसित किया गया है। नुक्कड़ नाटक की मदद से उपस्थित लोगों को गौरैया पक्षी के बारे में अवगत कराया गया। इस गौरैया ग्राम में तितलियों के लिए भी नेचुरल हैबिटेट का विकास किया गया है, साथ ही सामान्य जनता के लिए हर्बल गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस गौरैया ग्राम का मुख्य उद्देश्य गौरैया पक्षी को इकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। देखिए, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे ही दिल्ली राज्य का जो पक्षी है वो गौरैया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का राज्य पक्षी है गौरैया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति बनी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम सब लोग कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, उससे गौरैया की संख्या जो है वो जगह जगह पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर ये गौरैया ग्राम गढ़ी मांडू में स्थापित किया गया है, जिसमें प्रयास है कि यहाँ पर गौरैया जो हैं वो आएं और उनको इकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम मिले। दरअसल कुछ साल पहले गौरैया की संख्या में तेजी से गिरावट हुई। कई अध्ययनों ने इसे दिल्ली में बढ़ रहे शहरीकरण और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग और विद्युत चुंबकीय विकिरण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कृषि में बढ़ रहे कीटनाशकों के उपयोग से गौरैया पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो गई है, जिसके कारण उनकी प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राज्य पक्षी गौरैया के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस गौरैया ग्राम का विकास किया जा रहा है। क्या है गौरैया ग्राम? दिल्ली सरकार द्वारा गढ़ी मांडू में विकसित किया गया दिल्ली का पहला गौरैया ग्राम है,
गौरैया ग्राम में कीट घर को भी विकसित किया गया है। तितलियों के लिए भी नेचुरल हैबिटेट को विकसित किया गया है। सामान्य जनता के लिए हर्बल गार्डन भी बनाया गया है, जहां से लोग मुफ्त में औषधीय पौधों को अपने घर ले जा सकते हैं। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास लेवल पर तैयार किए जाएंगे 4 सिटी फॉरेस्ट। इस गौरैया ग्राम में दिल्ली के राज्य पक्षी गौरैया के जीवन चक्र का चित्रण किया गया है। शहरों में नेस्टिंग होल की कमी को देखते हुए यहाँ नेस्टिंग होल का निर्माण भी किया गया है। गौरैया के लिए कनौदा और कुंडली जैसे देशी जामुन, घास और झाड़ियाँ लगाई गई हैं। गौरैया ग्राम में फीडर बॉक्स, कृत्रिम घोंसले और मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। सामान्य जनता के लिए बनाया गया हर्बल गार्डन, इस हर्बल गार्डन में पत्थर चट्टा, अजवाइन, तुलसी, एलोवेरा आदि पौधे शामिल हैं। 4 सिटी फॉरेस्ट को पहले प्रारंभिक फेज में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें दिल्ली का मित्राओं सिटी फॉरेस्ट, अलीपुर सिटी फॉरेस्ट, गढ़ीमांडू सिटी फॉरेस्ट और जौनापुर सिटी फॉरेस्ट शामिल है। ये चारों सिटी फॉरेस्ट दिल्ली के लगभग 286 एकड़ में फैले हुए हैं। इस गौरैया ग्राम का उद्देश्य इस विलुप्त होती प्रजाति के बारे में जनसाधारण को जागरूक करना और इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना है। साथ ही दिल्ली के लोगों को ऐसी जगह देना है जहां लोग प्रकृति का आनंद ले सकें और आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति के बारे में जागरूक कर सकें। और अगर हम गौरैया को संरक्षण देकर जीवन दान देते हैं तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से के रूप में हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल आज की गुड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।